गाइस हमने कुछ ड्रोन शूटेज ऊपर से बना ली थी, अब हम बीच पे जा रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा बीच से बनाते हैं, देखते क्या आता है। और फ्रेंड को कंबाइन करके आपको हम दिखाते हैं। बस यू सी इट नाउ। अभी गाड़ी में सामान लोड करते हैं और कहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी दूसरी मंजिल पर, दूसरे होटल में। सी यू गाइस। तो गाइस यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया हमको रास्ते में ही। क्या नाम है इसका? इंडिया बाजार मद्रास करी। इंडिया बाजार मद्रास करी, छोटा सा रेस्टोरेंट था बट हमने सोचा चलो बहुत टाइम हो गया इंडियन खाए हुए और ज़्यादा पेशेंस भी नहीं था कुछ अच्छा ढूंढने का, तो हमने बस यहीं से उठा लिया। आई डोंट थिंक कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम चेकआउट तो कर रहे हैं बट जा कहाँ रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे। इट्स अ एक्सटेंडेड वेकेशन दैट वी आर डूइंग हेयर बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, तो वी थॉट कि वी कैन स्टे हेयर वन वीक एक्स्ट्रा एंड आई ऑल्सो हैव अ वन डे ऑफ, फ्राइडे इज माई ऑफ, सो दैट्स अनदर रीजन वी थॉट टू एक्सटेंड द वेकेशन। तो हम उस होटल में रुके थे और अब हम नॉर्थ साइड जा रहे हैं हवाई के, और वहाँ पे रचना ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट फाउंड किया। इतनी सुंदर मॉर्चरी है, आई थिंक लोग तो यही बोलते होंगे भाई हमारे मरने के बाद यहीं जाना है। लुक एट दिस माउंटेन, तो मरने के बाद भी व्यू मिलता रहेगा। This is where Jurassic Park was shot, guys. This is a church, guys. This is the way. घर है यहाँ पे लोगों के और यहीं पे एक हमें रिजॉर्ट मिला है, तो काफी लोकल फील आने वाली है और मस्त माउंटेन्स का व्यू है और पीछे ही पूरा ओशन है, फुल ऑन ओशन। ये देखो, this side is all ocean. इस तरफ है सारे पहाड़। तो गाइस ये रहा अभी मैंने यू टर्न लिया, दिस इज द पैराडाइज, यू कैन सी हियर। अभी हम अंदर जाके चेक करते हैं। पैराडाइज बे, लुक एट द व्यू, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मैंने कहा था ना, तो पीछे समुंदर है और सामने पहाड़। फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने नॉर्थ शोर। शाम को ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल। इसमें इन्होंने हमें एक लिस्ट दी है, तो हमने उनसे पूछा था कुछ आसपास रेस्टोरेंट्स डाइनिंग कुछ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटा सा टाउन है और वहाँ पे हम जा रहे हैं कनोही कलवा, वो टाउन है और उसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ग्रॉसरी स्टोर वगैरह हैं। तो गाइज़ हम लोग कलवा डाउनटाउन आ गए हैं
चेन्नई में हम रुके हैं, वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। चेन्नई में खुद का कोई डाउनटाउन नहीं है, तो हम कैलवा डाउनटाउन में आए हैं। Brussels sprouts on a stalk. This is so good. Guys, look at the avocado. Huge. Aam ki tarah. Huge avocado. Avocado aam ki tarah. Papaya sala amrud ki tarah. This is papaya. What should we get? That is their local rambutan. Pineapple is so tiny. Let's take a papaya. Guys, this is grapefruit. Okay, look at the size. I don't think I can carry it. It's like a size of a watermelon. It's crazy. And I have to show you something. This is Buddha's hand citron. What is this? गाइस, हम वापस आ गए हैं मार्केट से। हम लोग ब्रूरी गए और वहाँ मस्त हमने बियर पी और नाइस टोस्ट खाया, हनी टोस्ट। और अब हम उसके बाद गए होल फूड्स। होल फूड्स से हमने काफ़ी घर का खाने का सामान, $100 का, तो हमने ब्रेड लिया है, चिप्स लिया है, टोर्टियाज लिए हैं, देन वी गॉट सम अनियन, ग्रीन चिल्ली, नींबू, सो दैट वी कैन मेक सम नाइस सैंडविच। फिर हमने कुछ लोकल चीज़ें भी ली हैं, लोकल एवोकाडो हमने लिया है, लोकल पपाया, लोकल पियर एंड देन मैंगो ऑल्सो, और मैंने एप्पल्स भी लिए हैं। सो ये तो हो गया खाने का सामान। उसके अलावा वी गॉट अ लोकल वाइन, सो दैट हम लोग इतना अच्छा हमें किचन मिला है तो उसको यूटिलाइज़ करें, कुछ खाने का बनाएं, वाइन वाइन पिएं और अपनी इस प्रॉपर्टी को एन्जॉय करें। फिर विकास ने ली है लोकल बियर, देन हमने थोड़ी दूध लिया है फॉर चाय, और मैंने लिया है ये लोकल हनी, दैट विच इज़ जिंजर इन्फ्यूज्ड ऑर्गेनिक हनी, और मैंने एक ही क्यूट सा हनी भी लिया। लुक एट दिस, हाउ क्यूट, मनुआ हनी, इट्स मैकेडेमिया, गुड फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो, सो क्यूट। सो हम लोग यार ये सब सामान लेके आ गए, हम आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं। अभी 8:30 बजे, तो आज रात को बैठ के सुबह का प्लान बनाते हैं कि क्या करना है। तो आई थिंक वी आर डन, कुछ है नहीं। विकास थोड़ा अपना ऑफिस का काम खत्म कर रहा है, एंड आई एम गोइंग टू मेक द प्लान फॉर टुमारो। चलो फिर, सी यू गाइस लेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो बताइए हमें, आपको मज़ा आ रहा है क्या हवाई घूमने में हमारे साथ, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू, बाय।